We are going to learn about the lower extremity. So what is mean by the lower extremity? Lower extremity is a part of your appendicular skeleton. So before that we are seeing the first part of the appendicular skeleton, that is the upper extremity. In that we already seen the upper limb, then arm, forearm, hand, all the part we are already seen. सो इसके पहले के लेक्चर में हमने जो अपर एक्सट्रीमिटी रहता है या हाथ के जो बोन है उसके बारे में पूरा स्टडी किया है. अभी के लेक्चर में हम लोअर लिम या लोअर एक्सट्रीमिटी क्या रहती है उसके बारे में सीखेंगे. सो अपर एक्सट्रीमिटी जो है वो शोल्डर जॉइंट से शुरू होती है. तो जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो आपके हिप जॉइंट से शुरू होती है. और जो लिम्स बोलते हैं, जहाँ से लिम स्टार्ट होता है, शोल्डर जॉइंट छोड़ के जो रेस्ट ऑफ पार्ट है उसको हम लिम बोलते हैं. और हिप जॉइंट छोड़ के जो रेस्ट ऑफ पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लिम बोलेंगे. सो पैर का जो रहेगा वो आपका लोअर लिम रहेगा और हैंड का जो रहेगा वो आपका अपर लिम रहेगा. अपर लिम ने हमने देखा नंबर ऑफ बोन इन अपर लिम आर 30, अल्सो द नंबर ऑफ बोन इन लोअर लिम इज अल्सो 30. सो नंबर ऑफ बोन इन लोअर एक्सट्रीमिटी आर द 62. इतने बोन्स है लोअर एक्सट्रीमिटी में, 62 है. हिप से स्टार्ट हो जाता है. सो हिप को इनॉमिनेट बोन भी बोलते हैं, कॉक्सल भी बोलते हैं, उसको पेल्विस भी बोलते हैं. सो हिप आर 1 इन नंबर. देन जो थाई बोन है उसको क्या बोलेंगे, फीमर बोलते हैं, वो 1 रहता है. पटेला जो है वो भी 1. यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया है वो दो बोन के, मीन्स दोनों पैर के रहेंगे आपके, राइट और लेफ्ट के. सो हिप 1 इन नंबर, देन फीमर 1 इन नंबर, देन जो पटेलर रहेगा वो भी 1 इन नंबर, देन जो पटेला के नीचे जो रहेगा उसको टिबिया बोलेंगे, एक जो है वो फिबुला रहेगा. देन टार्सल, जो एंकल के बोन रहेंगे उनको हम टार्सल्स बोलेंगे, वो 7 इन नंबर. ऊपर हमने क्या बोला था, कार्पल्स बोला था. कार्पल्स आर द बोन ऑफ रिस्ट विच इज 18 नंबर, एंड टार्सल्स विच इज द बोन ऑफ एंकल विच इज 7 इन नंबर. देन मेटाकार्पल्स एंड द the phalanges. Like the upper limb, the lower limb is divided into 3 region. जैसा upper limb divide हुआ है वैसा भी lower limb भी क्या होगा, divide होगा. यहाँ भी ये limb है, extremity नहीं है. extremity में joints involved रहता है, जिसको हम pectoral girdle बोले और shoulder joint बोले. और यहाँ पे जो joint रहेगा उसको hip joint और क्या बोलेंगे, pelvis girdle बोलेंगे. So first one is the hip region. Then thigh is a portion of lower limb located between hip joint and knee joint. Hip joint और knee joint के बीच में जो portion रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, thigh region. Leg is specially a region between knee joint and ankle. जो leg बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, knee joint और ankle, इसके बीच का जो portion रहेगा उसको क्या बोलेंगे, leg बोलेंगे. Distant to the ankle is foot. Ankle के बाहर के साइड में या आगे के साइड में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, फुट बोलेंगे. लोअर लिम कंटेन 30 बोन. हमने ऊपर भी बोला कि लिम जो है अपर लिम उसमें कितने थे, 30 बोन्स रहते थे. एक्सट्रीमिटी बोले तो 32, और यहाँ कितने रहेंगे, एक्सट्रीमिटी बोले तो 31. सो लोअर लिम कंटेन 30 बोन इज आर फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड द फैलेंजेस. ओके, सो अभी आपको समझ में आएगा. डिस्टल में जो है वो क्या रहेगा, एंकल के जो पार्ट रहेगा उसको फुट बोलते हैं, नी के नीचे का रीजन जो है उसको लेग बोलते हैं, और जो थाई रीजन रहता है वो हिप और नी के बीच का रीजन रहता है. उसमें क्या क्या रहेंगे, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस. ये पूरा जो है वो आपका लोअर लिम के बोन्स रहेंगे. देन फीमर इज अ सिंगल बोन ऑफ थाई. फीमर को क्या बोलेंगे, सिंगल बोन ऑफ थाई बोलेंगे. देन पटेला इज अ नी कैप. मैंने लास्ट में भी बोला था कि जो पटेला है उसको क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं. टिबिया इज अ लार्जर एंड वेट बेयरिंग बोन. टिबिया जो है वो कैसा है, लार्जर बोन है, और वो क्या करता है, वेट बेयर करता है. आपका जो वेट है वो बेयर करने का काम. अभी ये जो टिबिया है वो घुटने के नीचे का बोन है. ऑब्वियसली ये जो टिबिया है वो प्रेजेंट रहता है आपके थंब साइड में, जहाँ से आपका थंब साइड रहता है, मिडल साइड जो बोलते हैं, वहाँ आपका क्या रहता है, टिबिया रहता है. तो लैटरल साइड में क्या रहता है, फिबुला प्रेजेंट रहता है. सो टिबिया इज अ लार्जर एंड वेट बेयरिंग बोन located on middle side of leg. जो middle का portion रहता है, middle side leg का रहता है, वहाँ पे present रहता है. तो fibula जो है वो कैसा है, thin bone और lateral side of leg, जो अपना little finger side रहता है और उसको lateral side बोलते हैं, वहाँ पे fibula जो है वो present रहता है. The bone of foot
आर डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप्स, जो बोन है उनको अगेन क्या किया है, डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज द पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ फुट फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ सेवन बोन, जो पीच का और पीछे का पोर्शन है वहाँ क्या है, सेवन बोन प्रेजेंट है. मैंने उन सेवन बोन को क्या बोलता, विच इज नेम एज अ टार्सल, उनको क्या बोलते हैं, टार्सल. वेर एज मिड फुट कंटेन अ फाइव इलोंगेटेड बोन विच इज कॉल्ड एज ए मेटाटार्सल. टार्सल के बाद में हमने क्या बोला था, मेटाटार्सल. एंड मेटाटार्सल के बाद में क्या रहेगा, 14 आर स्मॉल बोन विच इज कॉल्ड एज ए फैलेंजेस. सो लास्टली क्या रहेगा, फैलेंजेस प्रेजेंट रहेगा. सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके किसका रहेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज का और लोअर लेग का और लोअर लिम का रहेगा. सो दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ लेग बोन. फर्स्ट वन जो यहाँ पे ब्लर है वो हिप बोन है और उसको इनॉमिनेट बोन बोलते हैं और कॉक्सल बोलते हैं. सेकेंड वन, दिस वन इज कॉल्ड एज ए फीमर. फीमर इज कॉल्ड एज ए थाई बोन विच इज़ ए लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी. सबसे लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बोन रहता है उसको क्या बोलेंगे, फीमर बोलेंगे. ऊपर हमने एक्सियल स्केलेटन में सबसे छोटा बोन देखा था उसको हमने स्टेपिस बोला था, जो कान में प्रेजेंट है. देन नी, इट इज़ कॉल्ड एज ए पटेला और नी कैप बोलते हैं उसको. देन लोअर साइड में मैंने बोला था दो बोन प्रेजेंट है, वन इज द टिबिया एंड वन इज द फिबुला. टिबिया इज द स्ट्रॉन्ग एंड वेट बेयरिंग बोन है, वो जो है वो मिडली प्रेजेंट रहेगा, थंब साइड से रहेगा प्रेजेंट और मिडल पार्ट में रहेगा. जो फिबुला है वो विच इज द लैटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा. देन जो फुट बोन है उसमें क्या रहेगा, टार्सल. टार्सल जो है वो सेवन नंबर ऑफ टार्सल्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं और जो सेवन नंबर ऑफ टार्सल्स जो है उसको एंकल बोन बोलते हैं. देन मेटाटार्सल फाइव इन नंबर्स रहेगा और लास्टली द फैलेंजेस. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके क्या रहेगा, लोअर एक्सट्रीमिटी का स्ट्रक्चर रहेगा. सो अभी मैंने जो आपको टार्सल्स दिखाए थे उसका इंटरनल मीन्स, जैसे मैंने आपको कार्पल्स दिखाया, कार्पल्स कितने थे, 18 नंबर, स्कैपॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटरम, फिजिफॉर्म, ट्रैपेजियम, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट. वैसे ही टार्सल्स कितने रहते हैं, 7 इन नंबर. एंड उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट वन इज द कैल्केनियस. कैल्केनियस और कैल्केनियम बोलते हैं. देन सेकेंड ये जो ग्रीन कलर का रहता है इसको टैलस बोलते हैं. देन ये जो क्यूब शेप रहता है ब्लूइश कलर का उसको क्यूबर्ड बोलते हैं. और ये जो है ये पिंकिश कलर का इसको नेविकुलर बोलते हैं. नेविकुलर के आगे में थ्री जो है वो क्यूनिफॉर्म्स रहते हैं, लैटरल क्यूनिफॉर्म, मिडल क्यूनिफॉर्म और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म्स रहते हैं. सो ये जो है ये सेवन जो है ये क्या रहेंगे, टार्सल्स. इसके बारे में हम बाद में एक डिटेल वीडियो भी शेयर करेंगे. अभी आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली स्केलेटन में क्या रहते हैं, टार्सल्स रहते हैं और टार्सल्स आर सेवन इन नंबर एंड द टार्सल्स कंटेन अ कैल्केनियस बोन विच फॉर्म अ हिल हिल पोर्शन तैयार करते हैं. देन टैलस, क्यूबॉइड, नेविकुलर एंड थ्री क्यूनिफॉर्म्स, इंटरमीडिएट, लैटरल एंड मिडल क्यूनिफॉर्म्स आर देयर. एंड लास्टली ये जो पोर्शन है ये बिग वन, इसको हम मेटाटार्सल बोलते हैं. और लास्टली ये जो है ये फैलेंजेस. द स्केलेटन विच कंटेन 206 बोन एंड दिस 206 बोन आर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, दैट इज द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर. एक्सियल स्केलेटन कंटेन 8080 बोन वाइल अपेंडिकुलर स्केलेटन कंटेन 126 बोन. दिस एक्सियल स्केलेटन इज अगेन डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, दैट इज द स्कल एंड एसोसिएटेड बोन, थोरेसिक केज एंड वर्टिब्रल कॉलम. स्कल बोन, दैट इज द क्रैनियम एंड द फेशियल. देन एसोसिएटेड बोन कंसिस्ट ऑफ सेवन बोन्स, दैट इज ईयर, ऑसिकल एंड द हायर्ड बोन. थोरेसिक केज कंटेन 25 बोन, दैट इज द sternum and the ribs, which is 12 pairs of ribs are there. And vertebral column contain 26 bones, that is the vertebra, that is cervical, dorsal, lumbar, sacrum and the coccyx. In appendicular skeleton there are 126 bones are there, that is the first one is the clavicle and scapula which form the pectoral girdle. Pectoral girdle is also called as a shoulder girdle, so it form a shoulder joint. Then the arm bone, that is called as a humerus, and then radius ulna, then the carpal, metacarpal and the phalanges. Arm bone, that is humerus, radius ulna, carpal, metacarpal and phalanges are the upper limb which consist of the 60 bone, while the lower limb consist of the 60 bone which is the femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal and phalanges. Hip bone are two in number. Hip bone is also called as a innominate bone. Also hip bone is also called as a pelvis girdle. So girdle plus a limb to form a extremity. ये समझ में आया होगा कि एक्सियल स्केलेटन एग्जैक्टली क्या रहता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन एग्जैक्टली क्या रहेगा. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर कंप्लीटिंग द डिस्कशन रिलेटेड टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड ऑल्सो द डिस्कशन रिलेटेड टू द
लोअर एक्सट्रीमिटी। सो आज के लेक्चर में हमने लोअर एक्सट्रीमिटी क्या रहता है, लोअर लिम क्या रहता है, थाई क्या रहता है, देन नी जॉइंट क्या रहता है, देन लेग क्या रहता है, फुट किसको बोलते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी लिया है। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो स्केलेटन है वो नंबर ऑफ बोन जो है उसमें 206 रहते हैं। तो आपका स्केलेटन है उसको डिवाइड किया जाता है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जो एक्सियल स्केलेटन रहेगा वो बॉडी के एक्सिस में रहेगा, सो इसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। जो पर्टिकुलरली अपेंडिकुलर स्केलेटन रहेगा वो हाथ और पैर में रहेगा, सो उसको हम अपेंडिकुलर बोलेंगे। सो यहाँ तक का पूरा डिस्कशन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। ओके, इसके बाद में हम स्कल का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। स्कल एग्जैक्टली ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि बोन्स ऑफ स्कल, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि सूचर्स क्या रहता है या फॉन्टेनिलीज क्या रहता है, साइनसेस क्या रहते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।